राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं निखिल दुबे। हम आज बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, आप सब लोग ट्रेन में सफर करते ही होंगे। ट्रेन के जो पेंट्री होते हैं, पेंट्री कार्ड में जो पानी का बोतल बेचने का जो सिस्टम है, आप कभी भी पेंट्री में पानी का बोतल लीजिएगा उनसे ट्रेन के अंदर चलती ट्रेन पे, तो आपसे ₹5 एक्स्ट्रा की मांग की जाएगी। और जब आप सवाल करिएगा तो बेशक आपका ₹5 वो वापस कर दें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर आप बिहार प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस बात की समस्या है कि वहाँ ठंडा करने के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। ठंडा के बोतल पे अलग चार्ज, पानी के बोतल पे अलग चार्ज, उससे छोटे ठंडा के बोतल पे, कोक पे, जो भी है उन सब पे अलग चार्ज होता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ₹5 और ₹3, ₹2 का जो ये मतलब लेते हैं एक्स्ट्रा, ये आम जनता को लूटने का काम किया जाता है। सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, जिला प्रशासन भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। इस मुद्दे को बिहार सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रेलवे हो, इनको ध्यान देना चाहिए। अभी हम थोड़े दिन पहले बिहार गए थे, वहाँ पे जब हमने एक ₹35 वाला कोक लिया तो हमसे ₹40 लिया गया। और जब हमने पूछा कि ये ₹5 आप एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, तो दुकानदार का सीधे सीधे ये कहना था कि ₹5 हम ठंडा करने के लिए ले रहे हैं, जबकि ठंडा करने का कोई चार्ज नहीं होता है। MRP से कम दाम में बोतल मिलता है, उसको MRP पे बेचेंगे तभी उनको प्रॉफिट होता है, फिर भी ₹5 एक्स्ट्रा लिया जाता है। और इस पर प्रशासन के तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। प्रशासन भी सीधे सीधे आम जनता को लूटने में लगी हुई है। हो सकता है कि दुकानदारों के साथ प्रशासन मिला हुआ हो, क्योंकि दुकानदार को किसी बात का डर होता नहीं है। इस पर हमारी गुजारिश सरकार से यही है कि कृपया इस पर ध्यान दे, रेलवे भी इस पर ध्यान दे, क्योंकि रेल में प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री सफर करते हैं और उनसे ये ₹5 के नाम पे पता नहीं लाखों की वसूली की जाती है एक पानी के बोतल पे। इसके अलावा पता नहीं कितने खाना पे, चिप्स पे, हर एक सामान पे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। और दूसरा, बिहार सरकार से भी हम अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं, बिहार के हर एक जिला के जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि वो इन बातों पर ध्यान दें और जो एक्स्ट्रा पैसा ठंडा करने के नाम पे लिया जा रहा है इसको बंद करवाया जाए। बने रहिए आप कंट्री इनसाइड न्यूज के साथ। आपका धन्यवाद। मेरे सहयोगी आशीष के साथ मैं निखिल दुबे।